हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं हाइडेंसी के बिस्किट के 2 पैकेट, और इन दोनों पैकेट को हम फिर से ग्राइंड करेंगे जैसे कि पहले वाले वीडियो में किया था। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं हाइडेंसी के 2 बिस्किट के पैकेट। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, इसे हम मिक्सर के जार में डाल रहे हैं। हमने सभी बिस्किट्स को इस जार में डाल दिया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप दूध का डालेंगे और इसे एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं अभी, और इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने इसमें दूध के साथ 1 चम्मच चीनी ऐड कर दिए और 2-4 इलायची का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से मिल्क डालने के बाद। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, आज जो रेसिपी बनने जा रही है उसे ना तो आपको कोई गैस चलानी है उसमें, ना आपको कुछ क्रीम डालना है, ना आपको इसमें कोई क्रीम बनानी है। और बच्चों के लिए इतनी इजी वे में झटपट तैयार होने वाला नाश्ता है जो बच्चों को बहुत पसंद है। चलिए आइए आगे के स्टेप पे चलते हैं। यहाँ हमने कुछ ब्रेड लिए, इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। और जो ब्रेड के चारों तरफ का ये जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा है, हम इसको नाइफ से पहले काटेंगे। ये देखिए, बहुत ही इजी वे में ये कट जाएगा। देखिए, इस तरह से हम सभी ब्रेड्स को ऐसे काट लेंगे। पे हमने ब्रेड के चारों तरफ से सभी के ये कॉर्नर को काट लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप को। अब हमने जो ब्रेड लिया है उसके ऊपर हमने जो क्रीम बनाई थी उसको ऐसे अच्छे से लगाएंगे। एक अच्छी परत इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। अब जो हमने ये ब्रेड दूसरी काट कट करके रख रखी है उसको इसके ऊपर फिर से सेट करेंगे, और इसके ऊपर फिर से हम एक और लेयर क्रीम की लगा देंगे। अभी हम 3rd स्टेप पे चलेंगे। एक और लेयर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये ब्रेड हमने इसके ऊपर सेट कर दिए और इसके ऊपर फिर से हम ये क्रीम की परत लगाएंगे। इसी तरह से हम आखिरी की लेयर 4th लेयर फिर से रखेंगे, इसके ऊपर फिर से हम क्रीम लगाएंगे और इसको सेट करेंगे अच्छे से क्रीम लगा के। अब हम इसके चारों तरफ जो क्रीम बची हुई है उसको भी चारों तरफ से सेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे चारों तरफ से अच्छे से क्रीम लगा दिया है इसके ऊपर। अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये चोको चिप्स ली हुई है वाइट वाली। मैंने चोको चिप्स का भी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। इस तरह से हम इसको इसके ऊपर स्प्रिंग कर देंगे। ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से हमने इसको सेट किया है। चारों तरफ हमने इसके चोको चिप्स लगा दिए और ये हमारा चोको चिप्स केक तैयार है, मिनी केक। आप चाहे तो इसे बीच बीच में जैम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से जैम्स रख सकते हैं इसमें स्पेस छोड़ के थोड़ा सा। देखिए, लग रहा है ना बहुत सुंदर। तो ये रेडी है हमारा मिनी चॉकलेट केक। अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ हमने 2 बिस्किट लिए और उसको इस तरह से प्रेस कर लिया है। जो हमने इसको क्रश किया था इसके ऊपर हम इस तरह से हल्का हल्का सा स्प्रिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर जो बिस्किट को क्रश किया था उसको हम इस तरह से स्प्रिंग कर दिया है।
बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना।